हेलो दोस्तों, नमस्ते। जय श्री किचन कुंग में फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बैंगन का भरता, वो भी नए स्टाइल में। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो ये देखिए, कढ़ाई गर्म हो गया है। अब मैं इसमें तेल डालूँगी, आप तेल डालिए। तो मैं इसमें अधिक मात्रा में तेल डाली हूँ। अब ये देखिए, बैंगन को मैं पहले से धो के और बीच में चीरा लगा दी थी। अब तेल गर्म हो जाने के बाद मैं सभी बैंगन को एक एक करके ठीक से डालना है। ध्यान से डालिएगा ताकि इसका तेल का जो है वो उड़े नहीं, क्योंकि बैंगन भींगा हुआ है। तो अब देखिए, मैं सभी बैंगन को, 1 kg लगभग बैंगन को मैं इस तेल में, गर्म तेल में डाल दी हूँ। अब मैं इसे पकाऊँगी। इसे मैं थोड़ी देर के लिए ढक देती हूँ। तो ये देखिए, बैंगन सॉफ्ट हो गए हैं। इसे मैं पलट दे रही हूँ, धीरे से मैं पलट रही हूँ ताकि बैंगन जो है टूटे नहीं। और फिर मैं इसे ढक दूंगी थोड़ी देर के लिए। तो ये देखिए, बैंगन पक गए हैं बहुत अच्छे से। ये देखिए, बैंगन सॉफ्ट हो गए हैं, भरता के लायक बैंगन बन के तैयार है। अब मैं इसे एक एक करके, जो पके हुए बैंगन हैं, लाल हो गए हैं, उसे मैं एक प्लेट में निकाल के रखते जा रही हूँ। ये देखिए, पूरा अच्छे से तेल इसका निकाल के रखना है। अगर आप चाहे तो टिश्यू पेपर पे भी निकाल सकते हैं ताकि इसका तेल जो है सब निकल जाए आसानी से। तो सभी बैंगन मैं निकाल ली हूँ। अब देखिए, इस तेल में मैं ये टमाटर ली हूँ, बड़े बड़े टमाटर ली हूँ, चार। वो चारों टमाटर मैं इसमें डाल रही हूँ। ध्यान से डालिएगा, पानी का छिटका उड़ेगा। ऐसे मैं ढक के पकाऊंगी। अब मैं ये चार पांच मिर्ची, हरी मिर्च और नींबू कटे हुए हैं। तो मिर्ची को मैं इस तेल में जल्दी से डाल दी हूँ। अब देखिए, मैं ढक कर इसे टमाटर को मैं उलट पुलट कर रही हूँ। अब मिर्ची भी अच्छे से पक गए हैं, तो मिर्ची को मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। और नींबू, कटे हुए नींबू हैं, वो ऊपर से मैं डालूँगी। मैं टमाटर को फिर से ढक दी हूँ। ये देखिए, टमाटर भी बहुत अच्छे से गल गए हैं। तो टमाटर को मैं निकाल लेती हूँ, सभी टमाटर मैं निकाल लेती हूँ। ये देखिए, अब इधर भरता के मैं सामग्री दिखाती हूँ। उबले हुए आलू हैं 250 ग्राम, प्याज हैं 2 बड़े कटे हुए, और ये लहसुन कटे हुए और हरी मिर्च कटे हुए, नींबू कटे हुए, अजवाइन 1 चम्मच, और ये सरसों का तेल 2 चम्मच। अब देखिए, मैं एक बॉल ले ली हूँ। उबले हुए आलू को मैं फोड़ के रख रही हूँ, हाथ से मैं इसे फोड़ दी हूँ अच्छे से। अब ये देखिए, बैंगन जो है, ये टमाटर के छिलके मैं उतार लेती हूँ, सभी टमाटर छिलके मैं निकाल लूँगी। तो ये देखिए, टमाटर मैं इसमें डाल दी हूँ। अब मैं इसे एक करछुल के सहायते से ये टमाटर को मैं पूरा मिला देती हूँ आलू में। ये देखिए, टमाटर अच्छे से मिल गए हैं, बहुत ही अच्छे से पके हुए टमाटर हैं। इसका ऊपर का जो कड़ा हार्ड भाग है उसे मैं निकाल लेती हूँ। अब देखिए, इसी में मैं मिर्ची, पके हुए मिर्ची को डाल दी हूँ। अब ये बैंगन जो है, बैंगन का छिलका उतारना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं बैंगन पकाई नहीं हूँ, मैं तेल में छाँक ली हूँ। इसलिए आसानी से इस बैंगन को भरता आराम से बनाइए, चाहे बैंगन का चोखा बनाइए। सभी बैंगन को मैं डाल दी हूँ। अब मैं करछुल से इसे सभी बैंगन को मिला लेती हूँ। आलू, टमाटर, बैंगन, सभी को मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इसी तरह मिक्स करने के बाद अगर आप चाहें तो लहसुन, प्याज, ये सब आप फ्राई करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ कच्चा डालूंगी। तो सबसे पहले मैं नींबू डाल दी हूँ।
ताकि और चटपटा बने। तो नींबू का बीज निकालकर मैं एक नींबू मैं इसमें डाल दी हूँ, क्योंकि बैंगन का चोखा ज़्यादा मात्रा में है। ये देखिए, ध्यान से डालिएगा, नींबू का बीज निकाल लीजिए। अब मैं इसमें कटे हुए प्याज, कच्चे प्याज डाल दी हूँ, आप चाहे तो फ्राई करके डाल सकते हैं। और ये कच्चे हुए लहसुन, एक दो लहसुन मैं बहुत कम मात्रा में लहसुन ली हूँ, और हरी मिर्च कटे हुए, अगर आप चाहे तो फ्राई करके भी डाल सकते हैं। ये अजवाइन, अजवाइन को ऊपर से डालिए, और ये सरसों तेल डाल दीजिए। अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ, नमक थोड़ा ज़्यादा डालिए, क्योंकि नमक नींबू डाली हूँ इसीलिए नमक ज़्यादा लगेगा। अब मैं इसे अच्छे से मिला रही हूँ। तो इस स्टाइल से बैंगन का चोखा बहुत ही टेस्टी बनता है, खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। इसे आप पूरी के साथ, आलू भरे हुए पराठा के साथ, दाल पूरी के साथ, इसे अच्छे से आप ये बैंगन का चोखा खा सकते हैं, और लिट्टी के साथ भी ये बैंगन चोखा बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस स्टाइल से आप ज़रूर बनाएं घर पर। लीजिए, बैंगन का भरता बनकर तैयार है। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल जयश्री किचन क्वीन को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।